ये है चिंतामणि का खेत और यहाँ पर क्राउड देख रहे हो, ये जमा हो रही है। अभी देखो, अभी तो आज पूरा रोड भरा रहेगा, आज ये रोड पूरा जाम होने वाला है सिर्फ चिंतामणि के मतलब आगमन के लिए, क्योंकि 2 साल बाद ये पूरा मतलब फिर से गणपति आ रही है, तो वो काफी बड़ी गणपति रहेगी। और ये रहा गेट, तो अभी मेरे दोस्त लोग भी आने वाले हैं, बट अभी थोड़ा लेट है उन लोग, मैं पहले आ गया। अभी आगमन शुरू होगा, काफी ज्यादा सजावटें हुई है, गेट काफी शानदार सजाया गया है, ऊपर अपने महादेव शिव शंभु ऊपर उनकी मूर्ति रखी गई है और गेट बनाया गया है, मतलब शानदार गेट है। और क्राउड धीरे धीरे अभी जमा हो रहा है, अभी तो सही से कुछ आए भी नहीं है पब्लिक, चिंतामणि का क्राउड है। तो ये जितनी क्राउड आप देख रहे हो आ रही है, ये सब पूरा चिंतामणि के लिए। और हम लोग को ऊपर जाने के, और ऊपर ब्रिज पे जाने के लिए आगे से बहुत लंबा चल के फिर ऊपर से चढ़ के हम लोग को जाना पड़ेगा। आज ये पूरा रोड लगभग मतलब गाड़ी ना के बराबर आएगी जाएगी, और जो गाड़ी लेके आ गया समझो वो कल ही जाएगा वापस घर, इतना भीड़ रहेगा ट्रैफिक में। आज जो गाड़ी लेके आया फंस जाना है, देखो क्राउड अभी तो पब्लिक आ रही है, अभी देखो कितना भीड़ होगा। 2 साल बाद आगमन हो रहा है, कोई गाड़ी लेके नहीं आ रहा, सब पैदल ही आ रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे पब्लिक और आते जा रही है। रोड पे देखो भाई, देखो इधर भी क्राउड है। अभी ब्रिज खत्म होने वाले आया, अब देखो इधर से जाने मिलता है कि नहीं, क्योंकि गाड़ी जाती है पूरी और ये ब्रिज पूरा उधर ही जाएगा, हमें भी हो सके जाने दे भाई। तो अभी दिनेश और उसका दोस्त वहाँ खड़े हैं, और हम लोग को ये ब्रिज मार के ऐसे ऊपर से जाना है। अभी रुको, उन लोग को आने दो, रोड क्रॉस करने दो, फिर चलते हैं। आज की गणपति हम लोग ऊपर से दिखाएंगे। हमने ब्रिज चढ़ना स्टार्ट कर दिया है, मैंने अभी तक फेस नहीं दिखाया था, ये दिनेश और मैं और उसका दोस्त भाई, क्या नाम है? हाँ असद भाई। तो अभी हम लोग ऐसा ब्रिज ऊपर से मार के जा रहे भाई, थोड़ा है डर कहीं ना कहीं। अभी आधे रास्ते तक हम लोग पहुंच गए हैं, और नीचे क्राउड दिख रही है, बट अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा मैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा गाड़ी आ जा रही है तो दिक्कत हो रही है। हम लोग जहाँ ज्यादा क्राउड रहेगा वहाँ पहुँचेंगे, तब आपको दिखाएंगे। नीचे क्राउड देखो भाई, नीचे क्राउड दिखना शुरू हो गया है, अभी और आगे देखने मिलेगा। ए देखो भीड़ अभी आ रही है भाई, मतलब चिंतामणि की गणपति देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आते। हमने आधा रास्ता मतलब लगभग क्रॉस कर लिया है, लेकिन भाई क्राउड है, अभी नीचे देखने मिलेगा ब्रिज के नीचे। तो अभी एक गणपति भी आ रही है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो एक गणपति अभी जा रही है इधर से, ये देखो बप्पा इसमें जा रहे हैं। अभी बहुत सारी गणपति आएगी जाएगी अभी इधर से। ये देखो भाई क्राउड देखो आगे आप कितना है, यहाँ पर लोग गाड़ी वाड़ी सब रोक के देखते हैं, आगे बहुत सारी गाड़ी रुकी हुई है, और मैं आपको क्राउड दिखाने वाला हूँ, 2 मिनट वेट करो। इतना क्राउड है नीचे, ऊपर भी ब्रिज पे क्राउड है, अभी दिखाता हूँ मैं यहाँ पर कितनी सारी गाड़ियाँ ब्रिज पे रुक गई है। ये देखो ब्रिज पे गाड़ी रोक दी है भाई, सब देखने के लिए ब्रिज पे इतना क्राउड है, लोग गाड़ी रोक रोक के देख रहे हैं। मतलब जो भीड़ अभी दिखने वाली है ना आपको, पूछो मत, फॉरेनर्स भी आए हैं।
ब्रिज पे भी भाई फोटो निकालने लायक नहीं बचे हैं। भाई दिखाता हूँ मैं आपको, बड़ी सेलिब्रिटी भी आई है, बादशाह भाई खुद चल के आए हैं। बादशाह भाई देखो खड़े होकर मस्त नजारे देख रहे बिल्डिंग से, आप असली मजे बादशाह भाई ले रहे। मैं पहली बार ऐसी ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मैं मतलब ब्रिज पे खड़े हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मतलब अलग ही मजा है भाई ऊपर से गणपति देखने का। तो अभी मैं ब्रिज से उतर के नीचे आ गया हूँ, नीचे वॉक करके अभी जा रहा हूँ क्योंकि ऊपर से सारे सीन ले रहे हैं, अब नीचे से सीन ले रहे हैं। ये रोड आज स्पेशली बंद है, मतलब ये रोड सिर्फ पब्लिक के लिए हो गई है। जो चिंतामणि के दर्शन करने आए हैं उनका ये जो है रोड आज उनका है, यहाँ पर सिर्फ पब्लिक आएगी जाएगी, गाड़ी बहुत ही कम, मतलब लगभग जो गाड़ी लाए रहेंगे वही दिखेगा, बाकी कोई और दूसरी गाड़ी नहीं दिखेगी। आगे तो पूरा जाम है भाई, पूरा जाम है। ये सजावट देख रहे हो, काफी ज्यादा सजावट है। ये देखो रात होगी ना अभी तब लाइट है जलना शुरू होगा, अभी तो कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है अभी। हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है वो अपना गणेश चतुर्थी, इस दिन भाई इतना भीड़, इतना जितना विसर्जन नहीं होता उससे कई गुना ज्यादा आगमन में भीड़ होता है। ना क्राउड है ना भाई, जो मत मिला।
hours later. मैं घर पे आया, रात को आया 8-9 के करीब और आके सो गया और सुबह डायरेक्ट नींद खुली. इतना थक गया था मैं, मतलब इतना भीड़ था पूछो मत. और उसमें शूट करना, ऊपर से ब्रिज पे जाके शूट करना, ऊपर जाके जहाँ पर पब्लिक नहीं जाती है और जाने भी नहीं दिया जाता है, गाड़ी आती जाती है, गाड़ी वाले रुक के जो ब्लॉग मतलब शूट करना है वो लोग करते हैं, बाकी पैदल बहुत कम ही जाते हैं. तो मैं पैदल जाके ऊपर से शूट किया, देन फिर नीचे आया. मुझे काफ़ी दूर तक चलना पड़ा, कम से कम 2-3 किलोमीटर दूर चल के फिर ब्रिज नीचे उतरा, उस पर चढ़ के फिर वहाँ से उतर के नीचे का शूट करने के लिए आना पड़ा. तो नीचे भी हालत खराब, क्राउड था, ऊपर से मैं अकेला हो गया बाद में. तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था, मैं मतलब ऐसा भीड़ कभी नहीं देखा. और मैं पहली बार चिंतामणि के आगमन में गया था तो काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किए. एंड आई होप आपको ब्लॉग भी पसंद आया रहेगा. एंड सिनेमैटिक अभी तक नहीं देखा है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाओ जाकर देखो यार, काफ़ी मस्त मैंने सिनेमैटिक भी बनाया है चिंतामणि का. तो आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया रहेगा. प्लीज ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना. मैं मिलूंगा इसी किसी और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू.